चश्म बेमारी और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी, उन्नत भारत का लोहा मनाया रहा जमीन पे। मोदी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय मोदी जी का सहारनपुर की मां शाकुंभरी पावन धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वागत कर रही हूं। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र से मोदी जी का स्वागत करेंगे। मोदी 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 मोदी। मोदी जी को जय श्री राम जय श्री राम। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए नारी शक्ति द्वारा मां शाकुंभरी की चुनरी से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मोदी 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 जी को जय श्री राम जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम जय श्री राम। स्वागत है भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। नारी शक्ति वंदन से लखपति दीदी तक उत्थान व महिला सशक्तिकरण के संकल्प की यात्रा को साकार किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे परिवार के मुखिया ने। आपसे आग्रह है जोरदार तालियों से मोदी जी के स्वागत में करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। मोदी मोदी। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन के द्वारा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी,
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, ब्रजेश सिंह जी, जसवंत सैनी जी, माननीय सांसद और कैराना लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राघव लखनपाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी नेतागण और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आज सहारनपुर में यहां पर उपस्थित सभी सहारनपुर के मेरे बहन और भाइयों, आदिशक्ति मां भगवती शाकंभरी की इस पावन धरा पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सहारनपुर वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्थापना दिवस के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे लिए संगठन ही सेवा है। याद करिए, कोरोना जैसी महामारी के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को यह मंत्र देकर के जनता जनार्दन की सेवा को उस महामारी में बचाने के लिए समर्पित किया था। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज देश के अंदर आम जनमानस के विश्वास का प्रतीक बन करके मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। आज जब हम लोग सहारनपुर में उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देश के अंदर जब 2024 के लोकसभा का चुनाव की शुरुआत हुई है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये नंबर एक की लोकसभा है, सहारनपुर से ही शुरुआत होती है। और सहारनपुर में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम एक ऐसे भारत का दर्शन कर रहे हैं जो भारत दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज जाना जा रहा है, जो भारत सुरक्षित भी है, जो भारत आज अपनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है, जो भारत दुनिया के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए आज भारत दुनिया को दे रहा है। और यही नहीं, गरीब कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए इसका मॉडल भी दुनिया के अंदर कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है। बहनों और भाइयों, भारत का ये मॉडल केवल यहीं तक सीमित नहीं है। नौजवान की आजीविका हो या भारत की आस्था का सम्मान, पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को टच करने के लिए, लेकिन आज
कोई चक नहीं, जो भारत का है, भारतीयता का है, भारत के हित में है, मोदी जी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में कोई हिचक नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं। और वही बैरियर आज जब धीरे धीरे करके समाप्त हुए हैं तो एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम नए भारत का दर्शन भी कर रहे हैं, नए भारत के अंदर अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ही बना रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है आज सहारनपुर में नए भारत के शिल्पकार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहे होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, देश का मॉडल कैसा होना चाहिए कोरोना कालखंड में दुनिया ने देखा। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतनी बड़ी आबादी जी सकती है, वहां की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उस कालखंड में कैसे दी जानी चाहिए, कैसे प्रबंधन, कोविड प्रबंधन कैसे होना चाहिए, दुनिया भौचक थी। क्योंकि हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व मोदी जी का था, कोरोना प्रबंधन का हो, विकास का मॉडल का हो, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का हो। और अब तो दो दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। उसने जिक्र किया है 21-22 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है यह वही बता सकता है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ हो, दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग डरते थे, आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंकवाद दुनिया की एक चुनौती है और आतंकवाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए। दुनिया को इस समस्या का समाधान से मुक्ति मिलनी ही चाहिए और भारत दुनिया के अंदर इसको नेतृत्व देगा। यह मोदी जी के नेतृत्व में साकार होगा, इसमें कोई संदेह अब किसी को भी नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने अमृत काल में हम सबको एक विकसित भारत की संकल्पना दी है और विकसित भारत के लिए आज पूरे देश के अंदर एक नई बहस प्रारंभ हुई है। ये चुनाव भी विकसित भारत को किस रूप में हमें आगे बढ़ाना है, आपका एक वोट, जनता जनार्दन का एक वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में कैसे निर्णायक साबित हो सकती है, 2014 उसका टर्निंग पॉइंट है। और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है और हम उनके नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देखेंगे। इस विश्वास के साथ 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश से सिले का आवाज आ रही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक ही आवाज है और वह आवाज है कि फिर एक बार
अब की बार तो यह आवाज के साथ हम सबको जुड़ जाना है। और बहनों भाइयों, इसका आधार बनेगा एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर ले जाने का, एक एक मतदाता को मतदान केंद्र में ले जाने का। क्या आप लेकर के जाएंगे? मोदी जी को इस बात के लिए आश्वस्त करिए, क्या आप लोग लेकर के जाएंगे? कोई लापरवाही तो नहीं करेंगे? यही बात कहते हुए मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहारनपुर की इस पावन धरा पर आप सबकी ओर से, सहारनपुर वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सहारनपुर से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई राघव लखनपाल जी, वो कैराना से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई प्रदीप चौधरी जी प्रधानमंत्री जी का पुष्पली से स्वागत करेंगे। मोदी मोदी मोदी। जी, अब मैं आपको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। नरेंद्र मोदी जी का मोदी 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 जी को जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शाकुंभरी मां के आंगन में आप सभी को राम राम। हमारा ये स्थान मां शक्ति का स्थान है, हमारा ये स्थान मां शक्ति की साधना का स्थान है। और हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना, यह हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वो देश हैं जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडी अलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है? क्या शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है? क्या? और जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उन सब का क्या हाल हुआ है, वो इतिहास में, पुराणों में अंकित है। साथियों, 10 वर्ष पहले मैं चुनावी जनसभा के लिए सहारनपुर आया था, और याद कीजिए 2014 के वो दिन,
उस समय देश घोर निराशा घोर संकट के दौर से गुजर रहा था और तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा, देश रुकने नहीं दूंगा। मैंने संकल्प लिया था कि आपके आशीर्वाद से हर स्थिति को बदलूंगा, हर परिस्थिति को बदलूंगा, निराशा को आशा में बदलूंगा, आशा को विश्वास में बदलूंगा। आपने अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। याद कीजिए, तब हमारा भारत दुनिया में 11वें नंबर की आर्थिक ताकत था। मोदी ने सिर्फ 10 साल में भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना दिया है। तब कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश, भ्रष्ट देश ऐसी ही बना के रख दी थी। आज बीजेपी सरकार ने भारत की छवि मजबूत और तेजी से विकसित होते देश की बना दी है। बनी है कि नहीं बनी है? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में भी भारत का डंका बज रहा है, अमेरिका में भी भारत का डंका बज रहा है, अफ्रीका में भी भारत का डंका बज रहा है, सारी दुनिया में देश का डंका बज रहा है ना? कैसे? आपने जवाब गलत दे दिया। ये दुनिया में डंका मोदी के कारण नहीं, आपके एक वोट के कारण दुनिया में डंका बज रहा है। 140 करोड़ देशवासियों के वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। महिलाएं भी बोल रही हैं, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, गांव भी बोल रहा है, शहर भी बोल रहा है, एक ही बात कह रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, आज एक बहुत शुभ अवसर है। आज भाजपा का स्थापना दिवस है। बहुत कम दशकों में ही भाजपा के साथ रिकॉर्ड संख्या में हमारे देशवासी जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है, भाजपा ने लोगों का दिल जीता है। और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा
राजनीति नहीं राष्ट्र नीति पर चलती है। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है, ये भाजपा का नारा नहीं, भाजपा का आर्टिकल ऑफ फेथ है। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी रगों में है, यह हमारे सपनों में है, यह हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है, देश हित से बड़ा और कुछ हो भी नहीं सकता। भाजपा से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते बल्कि एक मिशन के लिए जुड़ते हैं। इसलिए भाजपा ने अपने सिद्धांतों, अपने संकल्पों को हमेशा राजनीतिक स्वार्थ से छोड़ करके राष्ट्रहित की सुप्रीमसी के लिए ऊपर रखा है। गरीब कल्याण हमारे लिए एक चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन रहा है। इसलिए भाजपा की प्राथमिकता रही है गरीब का पक्का घर, गरीब को शौचालय। इसलिए भाजपा ने गरीब के जीवन से अंधेरा दूर किया, उसे मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। ये भाजपा है जिसने गरीब को मुफ्त राशन दिया और आने वाले 5 साल भी मुफ्त राशन की गारंटी दी है। ये भाजपा है जिसने गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। इन प्रयासों की वजह से पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग, सहारनपुर के मेरे भाई बहन याद रखिए, 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। कांग्रेस की सरकारें जो कई दशकों में नहीं कर पाई वो भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया है। और इसीलिए ही पूरा देश कह रहा है 4 जून। साथियों, कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। यह हमारी पीढ़ी के लिए कितना बड़ा गौरव है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हमारा मिशन रहा है और ये मिशन भी पूरा हो चुका है। कश्मीर में
पत्थरबाजों ने जो पत्थर फेंके थे वो सारे पत्थर जुटाकर मोदी उन्हीं से विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण कर रहा है। भारत को एक मजबूत देश बनाना भाजपा की प्रतिबद्धता है। यानी जैसी भाजपा की नीयत है, जैसी निष्ठा है, नीतियां भी वैसी ही बनती है। और इसलिए आज हर हिंदुस्तानी कहता है, अनुभव से कह रहा है, नीयत सही तो नतीजे सही। साथियों, बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के काम करती है। हमारी सोच यही है कि सरकार की योजनाएं हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति तक पहुंचे। और इसलिए भाजपा सरकार ने 10 साल पूरी ताकत से काम किया है। और हमारा तो मंत्र रहा है सैचुरेशन, 100% योजना लागू हो, जितने भी उसके लाभार्थी लोग हैं सबको मिलना चाहिए, कोई भेदभाव के बिना मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जब लाभार्थी उसके हक की चीज उसको मिलती है, सैचुरेशन का मतलब ही होता है वही सच्चा सेक्युलरिज्म है, वही सच्चा सामाजिक न्याय है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही ये हमारा मंत्र है। भाजपा ने गरीबों को घर दिए तो हर जाति, हर धर्म के लोगों को मिले। हमने गैस कनेक्शन दिए तो इसका लाभ भी हर वर्ग तक पहुंचा। हम नल से जल हर गली मोहल्ले तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा सरकार ने सालों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। हमने बड़ा कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों के हित में काम किया, उनकी गरिमा को पुनर्स्थापित किया। और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं उत्साह में कि मोदी ने जो 3 तलाक कानून खत्म किया है इससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं उनको पूरी समझ नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। कोई भी मुस्लिम महिला किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, और जब मां बाप मुस्लिम बेटी को शादी करवाकर ससुराल भेजते हैं, कितने बड़े सपने देख करके भेजते हैं, लेकिन मन में चिंता रहती है कि कहीं दामाद नाराज हो जाए और 3 तलाक बोल दें, और अगर बेटी घर वापिस आ जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। भाई को चिंता रहती है अगर बहन वापिस आएगी तो क्या होगा। माँ को चिंता रहती है कि अगर बहन वापिस आ जाए तो उसको मैं कैसे पालूंगी। और इसलिए 3 तलाक का कानून खत्म करके, परंपरा खत्म करके, हमने सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, पूरे मुस्लिम परिवार को बचा लिया है, उस लटकती तलवार से मुक्ति दिला दी है। ये एक काम इतना बड़ा मैंने किया है कि आने वाली सदियों तक मुस्लिम बेटियां ये मोदी को आशीर्वाद देती रहेगी। भाजपा देश के हर नागरिक की परेशानी कम कर रही है।
हर किसी के लिए नए अवसर बना रही है। भाइयों और बहनों, सहारनपुर की यहां की जो लकड़ी की नक्काशी है, यहां के लोगों के कौशल की ख्याति तो दूर दूर तक है। और योगी जी हो या मोदी, आपका ध्यान है, इसलिए हम दोनों एक बात पर बार बार बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। मोदी और योगी आपके उत्पादों की बिक्री बढ़ाना चाहता है, और इसलिए हमने एक जिला एक उत्पाद योजना लेकर आया है। क्या इंडी गठबंधन के नेताओं से ये बातें आपने कभी सुनी है? इतना ही नहीं, हमने तो अब हर राज्य में एकता मॉल बनाने की योजना बना दी, और हर राज्य में जो एकता मॉल बनेगा उसमें हिंदुस्तान के हर जिले की चीजें बिकेगी। आप केरल जाओगे तो वहां के एकता मॉल में सहारनपुर की चीजें बिकती मिलेगी, आप बंगाल जाओगे तो वहां एकता मॉल में सहारनपुर जिले की चीजें मिलती रहेगी। मतलब हम देश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हर जिले में और दुनिया के हर देश में पहुंचाना चाहते हैं। हमने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है ताकि पारंपरिक कला से जुड़े सभी परिवारों की आय बढ़े। इसका लाभ हमारे सहारनपुर के शिल्पियों को बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। यहां इतनी अच्छी सड़कें बन रही है, इतनी बेहतर रेल और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो रही है। भाजपा ने और हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। भाजपा ने अपराधियों को, दंगाइयों को काबू किया तो इसे सुरक्षा के साथ साथ निवेश के लिए भी माहौल बना है। साथियों, ये क्षेत्र अपने कृषि उत्पादकों के लिए भी जाना जाता है। पिछले 10 साल में हमारी सरकार लगातार अपने किसान भाइयों के लिए काम कर रही है। किसान की छोटी छोटी जरूरत को लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है। आज देश में छोटे किसानों की पीएम किसान निधि के जरिए मदद की जा रही है। अकेले यहां सहारनपुर में ही 3 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 860 करोड़ रुपए सीधे भेजे जा चुके हैं। इसका बड़ा फायदा यहां के गन्ना किसानों को भी हुआ है। हमारे किसानों को यूरिया की खाद की कमी ना हो, इस पर भी हमारा ध्यान है। आप जानकर के हैरान हो जाओगे भैया, एक आंकड़ा मैं कहता हूं, याद रखोगे आप लोग? मैं एक आंकड़ा बोलता हूं, आप याद रखोगे? सभी किसानों को बताओगे? घर घर जाके बताओगे? तो आंकड़ा बताऊं? देखिए, दुनिया के कई देशों में यूरिया का एक थैला 3000 रुपये में, यूरिया का बोरा 3000 रुपये में मिलता है। कितने में? याद रखिए, किसानों को बताइए कितने में मिलता है। दुनिया में यूरिया का बोरा कितने में मिलता है? हमारे यहां किसानों को यूरिया का ये बोरा 300 रुपये से भी कम में मिलता है। दोस्तों, अब मुझे बताइए, ये बात किसानों को बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए?
घर घर जाके बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। साथियों, अब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे विरोधी हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पाला रहे। और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है, कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन भी इस्तीफा दे दिया। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। इसलिए देश आज उनकी एक भी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश को तो, क्योंकि यहां के लोग बहुत जानकार हैं, समझदार हैं, आपको याद होगा पुराना, यहां उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। साथियों, कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है, उसके पास ना देश हित में नीतियां है और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह
मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। साथियों, आपने मेरा काम देखा है, हर पल देश के नाम, और मैं आपको कहता हूं 24/7 फॉर 2047। ये मोदी हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मोदी कहता है, आपका सपना, मोदी का संकल्प है। मैं अगर भ्रष्टाचार पर आज कड़ा प्रहार कर रहा हूं तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है। भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं, आपके अधिकारों को लूटते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आपका बेटा या बेटी नौकरी के लिए योग्य है लेकिन भ्रष्टाचार करके किसी और को नौकरी दे दी जाए तो आपके बेटे बेटी का भविष्य क्या होगा? और इसलिए मैं आपके बेटे बेटी के भविष्य को बचाने के लिए इतनी गालियां खा रहा हूं, इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं। और ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। मेरे देशवासियों, आपके सामने चित्र साफ है। हम हैं जिसका मिशन है भ्रष्टाचार हटाओ, और वो हैं उनका कमीशन कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये मोदी है, पीछे हटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार पर तेज कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, 10 साल में जो हुआ है इसकी आज चारों तरफ चर्चा है। लोग घंटों घंटों तक इस काम की सफलता की सराहना करते हैं। मैंने अभी एक बच्चे का वीडियो देखा, छोटा बच्चा, और वो A to Z मोदी ने क्या क्या योजनाएं लाई है बढ़िया तरीके से बोलता है। 8-10 साल का बच्चा था। इसका मतलब काम बहुत हुआ है, लोग इसे पसंद भी करते हैं, लेकिन मोदी का मन क्या कहता है? काम बहुत भले हुआ हो लेकिन मोदी के मन में जो सपना है ना, उस हिसाब से तो ये काम अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है।
साथियों, वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब भारत खाद्य तेल और दालों में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब भारत में बने सामान दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बनाएंगे। ऐसे ही विराट संकल्पों के लिए मोदी को मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए आशीर्वाद चाहिए और इसके लिए सहारनपुर से हमारे साथी राघव लखनपाल जी और केरला से हमारे साथी प्रदीप कुमार जी को भारी मतों से विजयी बना करके संसद में मेरा साथ देने के लिए भेजना है। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा, करेंगे आपको अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने होंगे, तोड़ेंगे। आपके बूथ में पिछले तीन चुनाव में जितना मतदान हुआ है उसको रिकॉर्ड तोड़ के अधिक मतदान करवाएंगे। पिछले तीन चुनाव में आपके बूथ में जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा वोट बीजेपी को दिलवाएंगे। घर घर जाएंगे, बूथ जीत करके लाएंगे। मेरी आपसे अपेक्षा है इस बार इन दोनों लोकसभा सीट के सभी बूथों पर हमें जीत करके दिखाना है, दिखाएंगे। और जैसा योगी जी ने कहा, गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी में मतदान अधिक हो ये हम सबकी जिम्मेवारी है। धूप कितनी ही तेज क्यों न हो, हमने सुबह सुबह ही मतदान करवाना है। करवाओगे? करवाओगे? अच्छा, मेरा एक काम है, करोगे? बिल्कुल, मेरा पर्सनल काम है, ये राघव जी का भी नहीं और प्रदीप जी का भी नहीं है, ये मोदी का काम है। करोगे? करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? मेरा काम बहुत छोटा है। देखिए, हर घर जाना और हर घर जाके कहना कि मोदी जी सहारनपुर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? हर घर में पहुंचा दोगे? बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।